गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि लड़कियां भी अब शराब पीने लगी है। उन्होंने कहा, मुझे डर लगने लगा है क्योंकि अब तो लड़कियों ने भी बियर पीना शुरू कर दिया है। सहन शक्ति की सीमा टूट रही है। पर्रिकर ने हर साल राज्य विधानमंडल विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले राज्य युवा संसद को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग यहां बैठे हैं मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं। गोवा के सीएम ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि जब मैं आईआईटी में था तो वहाँ एक छोटा समूह था जो गांजे का नशा करता था, तो ये कोई आज की परिघटना नहीं है। कुछ छात्रों पर पोर्नोग्राफी का भी जुनून सवार था। राज्य में नशीले पदार्थों के होने वाले व्यापार के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि ये पूरी तरह से खत्म हो पाएगा। पर्रिकर ने कहा, मुझे व्यक्तिगत स्तर पर इस बात का विश्वास है कि कॉलेज में नशीले पदार्थों का प्रसार बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से पुलिस को नशीले पदार्थों का व्यापार करने वालों की धरपकड़ के आदेश दिए गए हैं, तब से करीब 170 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।